तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी मलनी मशीन। इस मशीन में हम अपना जो भी बेसन होता है उसको डाल करके और उसको नमकीन के लिए इसमें डो तैयार किया जाता है। तो दोस्तों दिखाते हैं किस तरह से काम करती है। बेसन डाल दिया है, अब इसी में हम अपना जो भी हमको इसमें रेसिपी डाल देते हैं वो उसमें डाल देंगे, जैसे कि मिर्च डालनी है हमको या नमक डालना है, इसमें ऑयल डालना है, सब कुछ इसमें डालकर हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। मशीन स्टार्ट हो चुकी है। ये मशीन हमारा मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का टाइम लेती है और ये हमारा डो बिल्कुल तैयार कर देती है। अब इसमें जो भी हम डालते हैं तेल पानी मसाले सब इसमें डाल के इसको डो को तैयार कर लेते हैं। एक बार में कितने केजी मिक्स हो जाएगा इसके अंदर? दोस्तों इस मशीन की जो कैपेसिटी है एक बार में 25 केजी की कैपेसिटी होती है। एक बार में 25 केजी बेसन डाल के हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। अभी हमने नमक डाला है इसमें, तेल डाला है इसमें, अब ये डो बिल्कुल हमारा रेडी होने के लिए तैयार है। इसका जो हमने बेसन डाला था उसका डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस डो को हमने निकाल लिया है अपने इसमें पैन में। अब इसको लेकर चलते हैं हम सीधे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारी भुजिया मशीन होती है। भुजिया मशीन में हमारी एक ही मशीन से 10 से 15 तरह का आइटम बना सकते हैं, क्योंकि उसमें 10 से 15 तरह की डाई लगा देते हैं। तो अभी जो हमने उसमें डाई लगाई हुई है, सेब की डाई लगाई हुई है, तो अभी हम आपको सेब बना के दिखाते हैं किस तरह से मशीन वो काम करती है, कितना लोड लेती है, कितनी कैपेसिटी होती है, वो सारी डिटेल आपको देने वाले हैं हम। तो चलिए भुजिया मशीन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम भुजिया मशीन के पास आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी भुजिया मशीन है, इसमें हमने डाई लगाई हुई है सेब की, तो मोटा सेब इसमें हम बनाने के लिए डाई लगाई हुई है। इसमें बेसन डाल देते हैं दो बना बना के, तो ये हमारा बेसन भुजिया निकलता रहेगा इसमें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फ्रायर मशीन है। फ्रायर मशीन हमारा इलेक्ट्रिक और LPG दोनों से चलता है, किसी से भी आप इसको चला सकते हैं। तो अभी जो हम इसको चला के आपको दिखा रहे हैं इसको गैस से चला करके दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी भुजिया निकलनी स्टार्ट हो चुकी है और ये इस तरह से निकल के रहती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने भुजिया मशीन में माल डाला, भुजिया मशीन के हमने सेब की डाई लगाई हुई थी, तो सेब बन के आपके सामने तैयार है। अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं, हमारा फ्रायर मशीन है, इसको हम इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चला सकते हैं। इसकी कैपेसिटी होती है घंटे में 80 से 100 केजी की और सेम ही हमारी कैपेसिटी होती है भुजिया मशीन की भी 80 से 100 केजी। ये 10 तरह की डाई इसमें लगा सकते हैं हम, 10 तरह का प्रोडक्ट ये बना देगी एक घंटे में और इसकी कैपेसिटी 80-100 केजी होगी। इलेक्ट्रिक गैस किसी से भी इसको चलाइए आप। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा भुजिया ये फ्राई हो चुका है, अब इसको हम सीधा लेकर चलते हैं अपने, इसको निकाल लेंगे फ्रायर से बाहर। दोस्तों भुजिया हमारा फ्राई हो चुका है सेव, अब इसको हम सीधा बाहर निकाल रहे हैं। दोस्तों सेब हमारा बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑयल है, अभी एक्स्ट्रा ऑयल को निकालने के लिए हम ड्रायर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस प्रोडक्ट को उठाकर हम सीधा ड्रायर मशीन में डालेंगे। दोस्तों जो सेब हमने बनाया था अब उसको उठाकर हम सीधा ड्रायर मशीन में डाल देते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसको निकाल देगा और हमको ड्राई सेब बिल्कुल मिलेगा। तो इसको उठाकर हम सीधा डाल देते हैं अपने ड्रायर मशीन में। ये ड्रायर मशीन में हमने डाल दिया है, अब मशीन को हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं, तो जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाएगा। तो दोस्तों ड्रायर मशीन हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। ये मशीन हमारा मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड का टाइम लेती है प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सेव हमारा ड्राई हो चुका है, अब इसमें एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी नहीं बचा है, अभी बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है। तो ये हमारा कोटिंग पैन मशीन है, अब इस प्रोडक्ट को उठा करके हम जो हमने रेडी करा था इसको कोटिंग पैन मशीन में डाल देते हैं। अब इसमें कोटिंग पैन मशीन में डालने के बाद मसाले को हम इसमें छान देंगे, तो बेस्ट क्वालिटी में हमारा बढ़िया एक जैसा मसाला पूरा हमारी मशीन से प्रोडक्ट के ऊपर लग जाएगा और हमको जो भी बच्चों को पसंद होता है प्रोडक्ट उस तरह का मसाला इसमें लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों डाल देते हैं, हमने प्रोडक्ट को कोटिंग पैन में डाल दिया है। दोस्तों मशीन स्टार्ट हो चुकी है और मसाला छानना हमने स्टार्ट कर दिया है, अब हमारे जो प्रोडक्ट के ऊपर बढ़िया क्वालिटी का मसाला इससे लग जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा
प्रोडक्ट में हमारे में मसाला लग चुका है, बिल्कुल चटपटा हो चुका है। मसाला लगने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस प्रोडक्ट को उठा करके हम सीधा पाउच पैकिंग मशीन में डाल करके इसके पैकेट तैयार कर लेते हैं। जितना भी ग्राम हमको पैकेट बनाना है उतने ग्राम का हम उसमें प्रोग्राम डाल के इसको पैकेट को रेडी कर लेते हैं। किस तरह से हमारी पैकिंग मशीन वर्क करती है, क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या लड़ी निकालती है, कैसे हवा भरती है, सारे फंक्शन आज आप इसको हम वर्क करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा प्रोडक्ट हमने हॉपर में डाल दिया है। अब मशीन को हम स्टार्ट कर देते हैं। हमने इसमें जिस भी हिसाब से मान लो 50 ग्राम के हिसाब से इसमें कप लगाया हुआ है तो 50 ग्राम ही ऑटोमेटिक हमारा पैक करके निकालती रहेगी। तो ये हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लड़ियाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। मशीन में जैसा भी प्रोग्राम हम डालते हैं उस तरह का ये वर्क करती रहती है। हमको हमारी मशीन 10 ग्राम से 250 ग्राम तक ये पैक करेगी, एक घंटे में 1800 पाउच निकालेगी और पाउच में एयर भरेगी, लड़ी बनाएगी, प्रोडक्शन काउंटिंग करेगी, पाउच की एयर भर के लड़ी बना के निकालती रहेगी। MRP डेट हो गया, बैच काउंटिंग हो गया, प्रोडक्शन काउंटर हो गया, नाइट्रोजन फ्लैशिंग हो गया, इस तरह की लड़ियाँ बना के निकालती रहती है। फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है ये। इसमें कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं, जैसे कि आप नमकीन, कुरकुरा, चिप्स, पप, चाय की पत्ती, मसाले, कोई भी आइटम आप इसमें ये पैक करके निकाल सकते हैं।